हाय 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 मुकामा के छात्रों का पलायन बंद करो बंद करो बंद करो। छात्र हित का हनन हुआ तो छात्र हित का हनन हुआ तो हम जवान हाय हाय। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नामांकन में विश्वविद्यालय के मनमाने रवैये के खिलाफ मोकामा कॉलेज में एबीवीपी के छात्रों का प्रदर्शन, कर्मचारियों को बंद कर लगाया ताला। मोकामा के रामरत्न सिंह महाविद्यालय में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। मुकामा के छात्रों का पलायन बंद करो बंद करो बंद करो। मुकामा के छात्रों का पलायन बंद करो बंद करो बंद करो। ठीक करेंगे तीन काम। छात्रों ने कुलपति फागु चौहान का पुतला दहन किया एवं विरोध में जमकर नारेबाजी की। गुलाब चंद राम जायसवाल हाय 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 हाय। गुलाब चंद राम जायसवाल हाय हाय। छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सर को पे। छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सर को पे। फागु चौहान हाय 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 हाय। फागु चौहान हाय 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 हाय। छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सर को पे। नाराज छात्रों ने कॉलेज इंचार्ज को कॉलेज परिसर के अंदर बंद कर बाहर से ताला भी जड़ दिया। दरअसल छात्र विश्वविद्यालय के द्वारा नामांकन के लिए बनाई गई नई ऑनलाइन व्यवस्था से गुस्से में है। बातचीत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष ने बताया कि नामांकन की नई प्रक्रिया से स्थानीय छात्रों को नामांकन में परेशानी होती है और यहाँ बाहरी छात्रों का नामांकन होता है, जबकि स्थानीय छात्र छात्राओं का नामांकन यहाँ से दूर किसी अन्य कॉलेज में होता है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुंगेर में 75% उपस्थिति होने पर ही वह परीक्षा में फॉर्म भरने दिया जाता है, जबकि यहां बगैर एक दिन कॉलेज आए भी छात्रों का फॉर्म भरा जाता है, जिस वजह से छात्र मुंगेर में नामांकन ना लेकर यहाँ के कॉलेज में नामांकन लेते हैं। कॉलेज कार्यालय के सहायक पदाधिकारी दिवाकर कुमार ने बताया कि छात्रों के द्वारा दिए गए आवेदन को विश्वविद्यालय भेज दिया गया है, जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। हम लोग यहाँ स्नातक पार्ट वन के नामांकन के अंतर्गत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ मुख्य मात्र ये है कि मोकामा पूरे मोकामा दायरे में 30 किलोमीटर के अंतर्गत एकमात्र डिग्री कॉलेज है और पूरे मोकामा का लगभग 20 हाई स्कूल है जिसके बच्चे यहाँ नामांकन करवाते हैं। इस विश्वविद्यालय का नामांकन लेने का है कि मेरिट लिस्ट के अनुसार नाम लेते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट। हीरो मेरिट लिस्ट निकल चुका है, कॉलेज में लगभग 80% एडमिशन हो चुका है, जिसमें लगभग 60-70% बाहरी बच्चों का नामांकन हुआ है। मोकामा के बच्चों का नामांकन दूर दूर दिया जाता है, स्थानीय बच्चों का पटना बिहटा, जिसके यहाँ का स्थानीय बच्चों को परेशानी आर्थिक रूप से जो कमजोर हो पता है, लड़की यहाँ बहुत पिछड़े अति पिछड़े जाति वगैरह के जो और सामान्य वर्ग के भी जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो बच्चे अपना नामांकन यहाँ नहीं करवा पा रहे हैं, दूसरे विश्वविद्यालय में भी नहीं करवा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि मोकामा से बाहर जिले का भी दूसरे जिले के बच्चे हैं, मुंगेर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जिले के ही बच्चे इस विद्यालय में नामांकन लेना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि मुंगेर विश्वविद्यालय में उपस्थिति 75% अनिवार्य है, जबकि यहाँ के विश्वविद्यालय में उपस्थिति 0% रहने पर भी विश्वविद्यालय द्वारा सेंटअप करवा दिया जाता है छात्रों का। दूसरा, लोकल परीक्षा केंद्र दिया जाता है जिसे नकल की सुविधा प्रदान की जाती है, लोकल परीक्षा केंद्र देकर के नकल की सुविधा प्रदान की जाती है। और बाहरी बच्चा यहाँ मुख्य एडमिशन कराने का मुख्य रूप से कारण नहीं है कि कॉलेज एक दिन भी नहीं आते हैं, बाहर से ही टोटल काम हो जाता है और परीक्षा में नकल भी चलता है। एबीपी के छात्रों का और छात्रों का भी कॉलेज के छात्रों का भी आरोप है कि बाहरी विद्यार्थियों का नामांकन हो रहा, लोकल विद्यार्थियों का नामांकन नहीं हो रहा। यहाँ से कोई काम नहीं रह गया कॉलेज का जी, ऑनलाइन ही आवेदन लेता है विश्वविद्यालय और ऑनलाइन ही जज को मेरिट लिस्ट को निकालता है। एक था स्पॉट एडमिशन जो कॉलेज में होता था, उसमें स्थानीय छात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन इस बार स्पॉट एडमिशन भी विश्वविद्यालय अपने स्तर से कर रहा, हम लोग इसमें 4 को भी किस नहीं कर सकते। इस पर मतलब जो है छात्रों को संतुष्ट कैसे कीजिएगा यहाँ के छात्रों को? छात्र आवेदन दिया है, आवेदन को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो मतलब आवेदन जब आगे बढ़ाइएगा, क्या लगता है समस्या का समाधान होगा? इस होना तो चाहिए, क्योंकि स्पॉट एडमिशन जैसे ऑन स्पॉट होना चाहिए। कॉलेज खुला हुआ है आज?
कॉलेज खुला हुआ था, छात्रों ने बंद करवा दिया। ये जो ताला लगा हुआ है ये छात्रों के द्वारा लगा हो गया। अच्छा, ये जो स्टूडेंट 70% अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, अटेंडेंस क्या क्या है? अटेंडेंस 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। अच्छा, लेकिन यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन फॉर्म भरवा देता है, इसलिए हम लोगों को उसमें कुछ करने का रास्ता नहीं है। कहीं से भी घर बैठे फॉर्म भर देता है लड़का। पूरा परिचय दे दीजिए। दिवाकर कुमार, कार्यालय सहायक, आर आर एस कॉलेज में सहायक।